मैथ बैकग्राउंड था, बीएससी मैथ का हूँ मैं, तो इसलिए मेरे को काफ़ी टॉप था कि कंप्यूटर बैकग्राउंड को शिफ्ट होना या सही रहेगा या नहीं। सर ने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और बेसिक बताते थे ना, वो सारी बताते थे, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। चलिए एक और टॉपर से मिलते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 174 है, प्रवीण, जो कि उड़ीसा से हैं और इनको एनआईटी सूरत कल अलॉट हुआ। तो सबसे पहले तो एनआईटी सूरत कल और 174 के लिए बेटा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और प्रवीण के बारे में बता दूं, इनका ड्रॉप ईयर था और इन्होंने ड्रॉप ईयर के साथ ये रैंक अचीव किए। तो आप अपनी सक्सेस जर्नी बताएं, एक तो लास्ट ईयर क्या हुआ था आपके साथ, निमसेट को कब सोचा और इस साल आपने किस तरह से अपनी स्टडी करी। ड्रॉपर्स बच्चे कई बार डिसिप्लिन नहीं होते, ड्रॉप ले लेते हैं, सोचते बहुत है पर डिसिप्लिन नहीं होते, तो आपकी इंटायर जर्नी कैसी थी? मैंने तो इतना अवेयरनेस नहीं था निमसेट के बारे में। जब मैं फाइनल ईयर में आया तो यूट्यूब में सर्च करने लगा कि आफ्टर मतलब ग्रेजुएशन के बाद क्या कैरियर हो सकता है, उसमें मेरे निमसेट एक ऑप्शन मिला, तो उसी ने मैंने सर्च किया थोड़ी बहुत। और मैंने को तो बहुत मतलब डिसीजन लेने के लिए बहुत टाइम लग गया, एक महीना लगा लिया मैंने डिसीजन लेने में, कि मैथ बैकग्राउंड था, बीएससी मैथ का हूँ मैं, तो इसीलिए मेरे को काफ़ी टॉप था कि कंप्यूटर बैकग्राउंड को शिफ्ट होना या सही रहेगा या नहीं। तो काफ़ी सारी सर्च की और फिर सर से बात करी, सर ने बोला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, प्रतीक सर और जो सौरभ सर, उन्होंने भी मैथ का बैकग्राउंड है, तो मैंने डिसीजन ले लिया और मैंने जून में ज्वाइन कर ली इम्पेटस। तो 2021 का एग्जाम मतलब सिर्फ 2 महीना था, तो मैंने सोचा कि वो काफ़ी नहीं है मेरे लिए, हो सकता है अभी तो अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा मेरे को, तो इसलिए मैंने सर से फिर से बात कर ली। सर बोला कि एक साथ एक बार ड्रॉप ले लो और ट्राई करो, तो मैंने ड्रॉप ले लिया और पूरी शेड्यूल के साथ सर जो भी बात बता रहे थे सारी को फॉलो की और मेहनत करी। मैथ में तो पहले से स्ट्रांग था और सर ने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और बेसिक बताते थे ना, वो मन लग जाता था मैथ पढ़ने में, काफ़ी मज़ा आ जाता था मैथ करने में। तो सर प्रतीक सर ने भी बहुत अच्छा कंप्यूटर ने बेस बनाया, तो हो गया। और जो भी टेस्ट सीरीज है इम्पेटस का, बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है, उसमें जो आप है वो सारी चीज़ें बता देती है, क्या करते हो, क्या करना है, टाइमिंग कितना, कौन सा क्वेश्चन को आप कितना टाइम देते हो, वो सारी बता देते, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। उसके बाद वो रैंक के लिए मैंने दो लोग हैं जो मेरे को काफ़ी हेल्प किए, उसको थैंक यू बोलना चाहूँगा। पहले है तो एक श्रिया, उसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है, जब भी मेरा रैंक डाउन हो जाता था तो मेरे को वो फिर से जगा देता था कि नहीं तू कर सकता है, कर और एक बार ट्राई कर, ट्राई कर, तो मैं उसके बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगा। दूसरी कृष्णा है जो कि ऑफलाइन स्टूडेंट है इम्पेटस का, उसने भी मेरे को काफ़ी हेल्प किया है, जो भी टेस्ट होते थे वो हम जाके फिर से एनालिसिस करते थे मिल के और सारी क्वेश्चन डिस्कशन करते थे, काफ़ी अच्छा बेस बना। उसके बाद सार के साथ टच में रही और हो गया। देखिए अभी जो प्रवीण ने बात बोली आपने समझी होगी कि सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितने डिसिप्लिन हैं। अच्छे दोस्त मिल जाए तो उसका अपने आप में बेनिफिट होते ही, तो आपको दो अच्छे दोस्त मिल गए। तो प्रवीण आपका अपने जूनियर्स को लेके क्या मैसेज होगा, और दूसरा आपको जैसे अवेयरनेस नहीं थी फिर आपको पता चला, तो आगे के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? जूनियर के लिए यही बोलूंगा कि जैसे सार बोलते थे पूरी बेसिक से कर लो, शुरू कर लो, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, हो जाएगा, निमसेट इतना भी टॉप नहीं है, अगर आपके मतलब सच्चे दिल से मेहनत करोगे ना तो हो जाएगा। और आगे मैंने जाके सोचा है कि मैं जिस गांव से आए हूँ वो सारे उसका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, उसको थोड़ा डेवलप करूँगा और मेरा एटमोसफियर थोड़ा चेंज करूँगा। वेरी गुड बेटा, आप जो आप सोच रखते हो इसको जरूर इम्प्लीमेंट करना। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू।